सो ऑल एंड गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बेसिक्स 12 एप्लीकेशन से अपने फोटो को सीबी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, साथ में कुछ इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मेरे चैनल पे मस्ट व्यूअर्स जो है वो सारे बेसिक्स 12 एप्लीकेशन के वीडियोज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपकी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोज लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज आप तो जानते हैं कि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है, ये मैं नहीं, चाणक्य जी कहते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फोन में बेसिक्स 12 ऐप है तो ठीक है, आप उसे प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, अगर अदरवाइज अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो ऑलराइट गाइस, आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स 12 एप्लीकेशन आपको दिखाता है, कुछ लोग को पता नहीं बेसिक्स 12 एप्लीकेशन क्या है, तो देख लीजिए गाइस, ये है बेसिक्स 12 एप्लीकेशन B612। बेसिक्स 12 एप्लीकेशन को यहाँ से हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगी स्टिकर का, यहाँ से जैसे सेंटर बटन है उसके बगल में, तो स्टिकर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट नंबर पे मिलेगी स्टार का आइकन, फिर यहाँ पे न्यू, उसके बाद यहाँ पे मिलेगी हॉट, तो आपको हॉट वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल करके आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, ये यानी कि ऑटो कट। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो कट, तो ऑटो कट वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे क्लिक। उसके बाद आप बोलोगे इसमें कि आप अपने एक फोटो को सिलेक्ट कीजिए, तो अपने एक फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको एडिट करना है। तो मैं आपको एक फोटो को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आज इस वीडियो में जो जिस टाइप की एडिटिंग करने वाला हूँ, तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा ये रही फोटो, सिर्फ ही आप फोटो पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपकी फोटो का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक से इरेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रेड रेड कलर की पूरी फोटोज में लग चुकी है, जितनी फोटो में रेड कलर की लाइन लग चुकी है, यानी कि वो फोटो उतना पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है, साइन वाले मार्क पे। अब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से एक बैकग्राउंड को जो है ऐड करना है। तो हम यहाँ से करते हैं इस बैकग्राउंड को ऐड, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको इसमें सेट कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही बैकग्राउंड, सिंपली आपको यहाँ से अपने फोटो को खींच कर इधर लाना है, और यहाँ से अपने अपने मुताबिक आपको एडजस्ट कर लेना है। तो देख लीजिएगा ये बैकग्राउंड बनी बनाई है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद अब आपको यहाँ से डन वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी फोटो यहाँ से गैलरी में सेव हो जाती है। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद अगेन इस फोटो को ऐड करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगी एडिट का, तो सिंपली स्टिकर वाले के बगल में एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इस फोटो को ऐड कीजिए, जो कि हमने अभी यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करने के बाद सेव किया। इस फोटो को एडिट करने के बाद अब आपको यहाँ से इसमें लाने के बाद यहाँ से एक फिल्टर्स का आपको एक आइकन मिलेगा, फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको स्क्रॉल करके राइट साइड की ओर आना है, यहाँ पे आपको एक मिलेगी Y2, शायद इफेक्ट का नाम है Y2, हाँ Y2 वाले इफेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। इसकी अमाउंट को अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है जितना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको इतना कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ से Y2 इफेक्ट आप देख लीजिए, ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। Y2 इफेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसकी अमाउंट को आप 80 प्लस तक ही रखिएगा, 60 प्लस रखिएगा, 80 के आसपास रखिएगा। यहाँ से अब आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट लगने के बाद आपकी फोटो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। उम्मीद है आपकी वीडियो आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको रोज ही ऐसे वीडियोज मिलती रहेगी, आप बस कमेंट करते रहिए। ओके, बाय।